हूँ बहुत अच्छे हैं, और फिर से एक नया टॉपिक नए कंटेंट के साथ आपके पास आ चुका हूँ वीडियो लेकर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ई रिक्शा से रिलेटेड किसी प्रकार का कोर्स करना है तो आप लोग मेरे पास आके कर सकते हैं। मोटर रिवाइंडिंग, कंट्रोलर रिपेयर, एग्जूम चार्जर, यूटीएल चार्जर, रोटरी, ऑटोमेटिक, आपकी गाड़ी की पूरी वायरिंग, ये पूरा टोटल ई बाइक का कोर्स, ये सभी चीज़ें टोटल मेरे पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से एक नया केस लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ, और ये केस इतना मस्त इम्पोर्टेंट केस आप लोगों के लिए होगा, काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा आपको। ये के चार्जर देखिए मेरे पास आया हुआ है, और यह जो चार्जर है अगर आप लोग देखेंगे तो यह चार्जर है यहाँ पर, इसको महिंद्रा ट्यूरो की तरह दिखता है लेकिन ये चार्जर है यमरा राजा का चार्जर है, और ये 35 एम्पियर का ही चार्जर है। थोड़ा सर मॉडल दिखाइए, देखिए मॉडल स्मार्ट पावर 48 से यहाँ पे 300 GS2 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए इनपुट जो है, अगर आउटपुट आप देखेंगे तो देखिए कितना लिखा है जी, 53 वोल्ट, और 53 यहाँ पर दिखा, देखिए एसी फ्यूज 30 एम्पियर के समथिंग। तो ये आपका जो चार्जर है 3 किलोवाट का है, कितने का है 3 किलोवाट का है, मतलब कि जैसे आपका महिंद्रा ट्यूरो काम करता है वैसे ही सेम काम करता है ये चार्जर, ठीक है। लेकिन नज़दीक आइए, यहाँ पर नज़दीक अगर आप आते हैं तो देखिए यहाँ पर जो सॉकेट आप देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो सॉकेट देखेंगे ये सेम आपको महिंद्रा ट्यूरो की तरह ही दिखाई देगा, पर यहाँ पर बेनिफिट क्या है, यहाँ पर महिंद्रा ट्यूरो में आपके 4 चार्जर तार होते हैं, तो यहाँ पर मात्र कितने तार हैं, 2 तार हैं। और महिंद्रा ट्यूरो का जो कैलिब्रेशन सिस्टम है, वो इसके लॉजिक कार्ड में होता है। यहाँ पर जूम कीजिए, जो यहाँ पर लॉजिक कार्ड होता है, अगर आपने महिंद्रा ट्यूरो का वीडियो नहीं देखा है तो जाके पीछे देख लीजिए, वॉच कीजिए, काफ़ी अच्छा वीडियो होगा। तो महिंद्रा ट्यूरो का जो भी इसका कैलिब्रेशन जो होता है वो आपका इस कार्ड में होता है। और इसमें देखिए क्या किया गया है भाई, जो भी इसमें वर्किंग दिया गया है, कैलिब्रेशन जो किया गया है, देखिए पतले तार जो हैं वो इस कार्ड में दिया गया है। इस कार्ड से देखिए, इस कार्ड में 2 सप्लाई दिए गए, एक तो आपको एसी न्यूट्रल और फेस, उसके बाद वो कैलिब्रेशन का तार, और इसी कार्ड से उस वोल्टेज को ठीक करके, मतलब कैलिब्रेट करके, और इस कार्ड को आपका मेन चार्जर को दिया गया है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम भाई बहुत ही अनोखी थी, इसको रिपेयर करने में लमसम 2 से 2.5 घंटे लग गया है, ये इतना जल्दी रिपेयर होने वाला में से नहीं था। अगर इसका फ़ैन देखेंगे तो देखिए फ़ैन भी काफ़ी मस्त है, इसका फ़ैन उससे अलग है, इसका फ़ैन चाहिए तो इसका फ़ैन भी मेरे पास मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा प्रॉब्लम क्या थी कि ये चार्जर ऑन नहीं हो रहा था भाई साहब, इसमें सामान बहुत ख़राब थे, चार्जर ऑन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। सबसे पहले देखेंगे आप लोग तो इसका, मैं कल इसका वीडियो भी मैं डालूंगा कि एक्चुअल में ये काम कैसे कर रहा है, ये सारा वीडियो मैं डालूंगा, और इसमें महिंद्रा ट्यूरो में और इसमें फ़र्क क्या है वो भी मैं बताऊंगा व्हाइट बोर्ड पे पूरा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या प्रॉब्लम था दिखाइएगा, तो सर ये चार्जर ऑन नहीं हो रहा था। यहाँ पर हमने देखा कि एक तो देखिए यहाँ पर डबल रेक्टिफायर लगा है, देखिए यहाँ पर जूम कीजिए, दिख रहा है सर, देखिए यहाँ पे 2 रेक्टिफायर लगा हुआ है, और 2 रेक्टिफायर लगे हैं, और दोनों रेक्टिफायर का न्यूट्रल और जो फेस होता है, यहाँ पे दोनों के दोनों पर आपका देखिए फ्यूज लगा है, ये जो फ्यूज लगा है वो 30 एम्पियर का है, ये फ्यूज जो है 30 एम्पियर का लगा है। अब ये चार्जर में प्रॉब्लम क्या थी भाई, एक तो यहाँ पर ये रेक्टिफायर दोनों लीक थे, वो भी ख़राब था, देखिएगा तो यहाँ पे एक छोटा वाला रिले था वो भी इसकी ख़राब थी, और इसके चैनल के मॉस्फेट ख़राब थे। अब इसका डाटा सीट देखिए भाई साहब, इसका डाटा सीट ऐसे करके रिपेयर करना होता है, ये सभी चीज़ें देखिएगा, देखिए इस मॉस्फेट के पास एक जीनर लगा होता है, देखिए ट्रांजिस्टर के टाइप में जीनर है जो कि 3 पिन का है, लेकिन वो जीनर है, ट्रांजिस्टर की तरह दिख रहा है लेकिन वो है बिल्कुल जीनर। अगर आप देखेंगे तो मैंने इसका ये दिखाइए सर, देखिए क्लियर आ रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पर ये जीनर है, ये जीनर ख़राब था तो इसका डाटा शीट मैंने निकाला प्रिंटर से, लैपटॉप से, और ये देखिए यहाँ पे मैंने तीन प्रकार के इसमें जीनर था जिसका नंबर आपका कोडिंग अगर आप देखेंगे तो उस पर कोडिंग में एक बार आपको दिखा देता हूँ, उस पर कोडिंग था Z12 की कोडिंग था यहाँ पर। तो ये जीनर भी ख़राब था, इसको भी हमने इसका डाटा शीट निकाल के इसको भी ठीक किया, ठीक है। ये प्रिंटर से निकाला हमने इसका, गूगल से डाउनलोड करके। इसका एक साइड होता है इसका डाटा शीट निकालने के लिए जिसका साइड है smanual.com। ये मैं आपको अलग से एक दिन बताऊंगा निकालने के लिए कि क्या है क्या नहीं है, ये भी तरीका बता दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें हो गया, अब ये देखते हैं चार्जर चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहली बात मैं बता दूँ, अगर आप इसको सीरीज में चालू करते हैं तो सीरीज का बल्ब हल्का सा हमेशा लोड लेगा। देखिए 200 वाट का दिखाइए सर, यहाँ पे ये दिख रहा है बल्ब आ रहा है, साफ आ रहा है ना, 200 वाट का बल्ब है। यहाँ पर मैं इसको देखिए सीरीज में लगा रहा हूँ, तो सबसे पहले इसका सीरीज का कंडीशन देखिए, पहले सबसे पहले देखिए ऑन करते हैं तो देखिए ये इतना बल्ब ग्लो करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉल्ट है, बिल्कुल ओके है। और देखिए आगे दिखाइए, यहाँ पर जब ये चार्जिंग चार्जर बिल्कुल ओके होगा तो तीनों की तीनों एलईडी एक साथ ब्लिंक करेगा, तीनों के तीनों एलईडी क्या होगा एक साथ ब्लिंक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोबारा कि यहाँ पर अगर ये चार्जर ऑन होगा तो तीनों की तीनों एलईडी आपकी, दो तो ग्रीन और आपकी एक रेड, देखिए ऑन होगा, दोनों रिले ऑपरेट होगा तो ये दोनों ग्रीन और एक रेड बत्ती ऑन होगा। अब बात करते हैं क्या ये चार्जर का फैन ऑन होता है या नहीं होता है, तो जी चार्जर का फैन भी महिंद्रा ट्यूरो की तरह नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, चलेगा। मैं लगा के दिखाता हूँ, पहले थोड़ा लाइट जला लेता हूँ, और कभी भी फैन को आप डायरेक्ट ना लगाएं जब तक ये एलईडी जल रही हो, जब तक ऑफ नहीं होगा तब तक ये इसको आपको चालू फैन का तार नहीं लगाना है। अभी एक और ट्रिक बताऊंगा इसको चेक करने के लिए, क्या इस कार्ड को निकालने के बाद ये चार्जर चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी ट्राई करेंगे आपके लाइवली। देखिए ऑफ हो गया, चालू रखिएगा सर, यहां पर मैं फैन को लगा रहा हूं, फैन के जेक को मैंने लगा लिया है और चालू कर रहा हूँ। क्या लगता है चालू होगा फैन, देखते हैं, मंत्र मारते हैं अगर चालू हो जाएगा तो ठीक है। देखिए साउंड सुनाइए तो देखिएगा, तो ये फैन जो है अभी देखिएगा, मैं मेन में लगा रहा हूँ, सीरीज में है इस कारण से नहीं ऑन होगा। अभी देखिए मैं मेन में लगा रहा हूँ इसको, और ये फैन जो है हल्का सा रनिंग कंडीशन में, जैसे कि आप चेक करेंगे तो नॉर्मल जो कंडीशन होता है उस कंडीशन से ये फैन चलेगा। एक मिनट शायद एक गिरने की वजह से, नहीं बिल्कुल ओके है, चलना चाहिए इसको, एक मिनट पॉज कीजिए। तो आप इधर देखिए अभी ये लाइट ऑफ हो रही है, अभी फैन की तरफ आप ध्यान दीजिएगा, देखिए फैन चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, देखिए हल्का सा फैन हिला, अभी देखिएगा देखिए, तो ये फैन आपका चलता है, जब भी ऑन होगा तो फैन चलेगा यहाँ पे। और इधर लाइए आप, और इधर आप जब देखेंगे इसका तो फाइनली यहाँ पर क्या होगा, देखिए अगर आप इधर आएंगे तो इसका तो ये तीन एलईडी आगे की जलेगी, ठीक है। अगर आप लॉजिक कार्ड में देखेंगे तो देखिए भाई साहब यहाँ पर देखिए, इधर दिखाइए सर, यहाँ पर दो एलईडी आपकी जलती हुई दिखाई देगी, एक तो आपको रेड ब्लिंक करेगा और एक आपको येलो परमानेंट यहाँ पे जलती हुई दिखाई देगी। आ रही है सर उसमें, देखिए आ रहा कि नहीं आ रहा, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, देखिए देखिए एक तो येलो जलती हुई दिखाई दे रहा है और एक आपका रेड ब्लिंकिंग करता हुआ दिखाई देगा। अगर ये चार्जर ओके कंडीशन में होगा तो आपका ये प्लस माइनस में बिना इस कार्ड के सप्लाई दिखाई देगा 53 वोल्ट, अगर ये ख़राब है तो ये सप्लाई नहीं दिखाई देगा। पकड़िए सर, देखें सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है,
मैं मल्टीमीटर को 200 वोल्ट के रेंज में सेट करता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखते हैं, देखिए एक सेकंड, देखिए 27 के समथिंग आ रहा है, क्योंकि अभी ये यहाँ पर ऑन कंडीशन में, जब फैन हमारा रनिंग कंडीशन में नहीं है, और ये जब फैन ऑन होगा तो आपका यहाँ पे प्रॉपर का प्रॉपर वोल्ट पूरा 53 वोल्ट के समथिंग मिलेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब ये फैन ऑन कंडीशन में होगा तो दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिएगा ध्यान से। अभी लाइट बंद होने दीजिए, फिर दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितना वोल्ट मिलेगा आपको, वेट कीजिए। हो गया, अभी मैं चालू कर रहा हूँ, तो देखिएगा जब फैन का रनिंग कंडीशन में होगा तो यहाँ पे 53 के समथिंग मिलेगा आपको, देखिए मिला 53 वोल्ट के समथिंग। तो यहाँ पर जब भी ये चार्जर ऑन कंडीशन में होगा तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली सप्लाई इसकी 53 वोल्ट मिल जाएगी। ये कार्ड लगा हो या ना लगा हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो चार्जर है 35 एम्पियर यमरा राजा की चार्जर है ये, ध्यान रखिएगा। और इसका जो है किएगा सॉकेट अवेलेबल विद, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, देखिएगा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिंगल फेज थ्री वायर 230, यहाँ पर 230 वोल्ट एसी। जो इसका सॉकेट लगा है, जो इसको सॉकेट, चार्जिंग सॉकेट जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है 16 एम्पियर की चार्जिंग सॉकेट। तो ये सिर्फ जो चार्जर है 5 एम्पियर पे तो लगेगा ही नहीं, सिर्फ 16 एम्पियर के चार्जर पे ही लगेगा। तो आई होप अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।